तो दिया आप लोगों ने टेस्ट कल का एसआरजी वाला, तबीयत खराब थी? इतने ही लोग आए हैं क्या? तो अब हम शुरू करते हैं ये SHM, है ना, जिस ये NCERT में एक्चुअली ऑसिलेशंस नाम से है ना। तो ऑसिलेशंस का मुझे लगता है आप लोगों ने वैसे एक डेफिनेशन सुनी होगी बहुत पहले, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन है ना, आपने सुना होगा, बहुत ही सिंपल सा होता है, जैसे पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन का मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं पढ़ रहे हैं, सिंपल वाला पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा जिसमें पार्टिकल ऐसे जा रहा है यहां कहीं, फिर वो रुकता है, फिर वो वापस चला जाता है, फिर रुकता है, फिर वापस चला जाता है, और इस तरीके से वो चल रहा होता है ना, यही टू एंड फ्रो मोशन होता है। मतलब कोई भी ऑसिलेशन अगर हो ना, कोई भी टू एंड फ्रो मोशन हो, तो उसके लिए ये जरूरी है कि किसी एक जगह पर पार्टिकल रुके और फिर वापस मुड़े। ऐसे ही किसी एक और जगह पर पार्टिकल रुके और वापस मुड़े, क्योंकि अगर वो रुक कर वापस नहीं मुड़ा तो फिर वो टू एंड फ्रो मोशन कैसे कर पाएगा। जैसे पेंडुलम भी होता है, उसमें वो किसी एक जगह पर रुकता है और मुड़ जाता है, फिर रुकता है, फिर मुड़ जाता है। तो किसी भी ऑसिलेशन में दो पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पॉइंट पर वो रुकता है और मुड़ जाता है। तो ये जो पॉइंट है इस पर वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, है ना, और जो ये वाला पॉइंट है यहां भी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो ये जो दो पॉइंट है ना जहां पर वेलोसिटी जीरो होती है, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं तो कोई अगर हमसे पूछे कि आप किसी पॉइंट को देखकर ये कैसे पहचान पाएंगे कि ये एम्पलीट्यूड है, तो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड वो पॉइंट होता है जिस पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। हालांकि कई लोग इसको ये भी कहते हैं कि मैक्सिमम होता है, लेकिन जो बेसिक नेचर है ना एम्पलीट्यूड का वो ये है कि यहां पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। तो एक इधर और एक उधर, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये देखो, एक ये है एम्पलीट्यूड, यहां पर वेलोसिटी जीरो है। एक ये वाला एम्पलीट्यूड है, यहां पर भी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, कोई डाउट? बहुत ही आसान मोशन है, कई लोग इसे सर्कल अर्कल पता नहीं किस किस से पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं था। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ना, उस मिड पॉइंट का नाम होता है मीन पोजीशन। तो एक मीन पोजीशन होती है ऑसिलेशन में और
दो एम्पलीट्यूड होते हैं, ऐसे ही होता है ना, एक मीन पोजीशन, दो एम्पलीट्यूड। कोई डाउट इसमें? मीन पोजीशन बिल्कुल बीच में है, तो इसका मतलब जो एक एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस होगा मीन पोजीशन से, वही दूसरे एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस होगा। तो ये वाला डिस्टेंस अगर आप ए लिख दें तो ये भी ए लिखेंगे। कोई डाउट? ठीक है, फिर से मैं बना देता हूं। ये है मीन पोजीशन, ये एक एम्पलीट्यूड, ये एक दूसरा एम्पलीट्यूड। ये जो मीन पोजीशन है, अगर हम इसको ओरिजिन मान लें, यानी जीरो कॉमा जीरो, तो जो ये वाला पॉइंट है, आप देखिए ये पॉजिटिव साइड में है ना, कितना है ए, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? और फिर इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं? इतना समझ में आया? मतलब जब आप ओरिजिन से इस तरफ आ रहे होंगे तो एक्स पॉजिटिव होने लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड में। जब उधर जा रहे होंगे तो एक्स क्या होने लगेगा? निगेटिव होने लगेगा। बताइए, अगर इतना क्लियर हुआ हो तो बताइए। आ गया इतना समझ में? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब ऑसिलेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन, मतलब वो एक तरफ जाएगा, रुकेगा, रुकने के बाद वापस जाएगा, ऐसे ही होगा, फिर उधर रुकेगा, फिर वापस जाएगा। तो मान लीजिए पार्टिकल इधर आ रहा है, यहां पे है, इधर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी इधर है। अब पार्टिकल को पता है ना आगे जाकर मुझे रुकना है, अगर आगे जाकर रुकना है तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन होना चाहिए कि रिटार्डेशन? रिटार्डेशन होना चाहिए। इसका मतलब जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, तभी तो ये रिटार्डेशन होगा। अच्छा, इस वजह से क्या हुआ होगा कि यहां पर वो रुक गया होगा, लेकिन आप देखिए रिटार्डेशन अभी भी उसी तरफ है, तो वेलोसिटी तो जीरो हो गई पर एक्सेलरेशन उधर ही है, तो अब ये क्या करेगा, अब उसे उधर लेके जाने लगेगा। तो यहां जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी भले ही इस तरफ हो, एक्सेलरेशन भी इधर होगा। तो जो एक्सेलरेशन शुरू में वेलोसिटी को कम करने में लगा हुआ था ना, जब ये बॉडी वापस जाने लगी तो यही एक्सेलरेशन इसकी स्पीड को बढ़ाने लगा। तो स्पीड बढ़ती गई, ओरिजिन से निकल गया, उधर चला गया। अब देखो स्पीड इस तरफ है, क्योंकि अब इसको कहां जाना है? इधर जाना है, लेकिन वहां पर रुकना है ना उसको। अब आप बताइए स्पीड बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, मतलब अब एक्सेलरेशन लगना चाहिए कि रिटार्डेशन? तो अब क्या होता है कि एक्सेलरेशन अपना साइन बदल कर इधर हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि स्पीड कम होती जाती है और इस पॉइंट पर आकर स्पीड हो जाती है जीरो। तो स्पीड तो जीरो हो गई, एक्सेलरेशन इधर है, तो ये क्या करता है, बॉडी को वापस इधर लाने लगता है। और जब यहां पहुंचा तो मान लो वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है, तो स्पीड बढ़ती गई और ओरिजिन को फिर क्रॉस कर गया। फिर जब वो क्रॉस किया तो उसने देखा यार आगे फिर रुकना है, तो फिर एक्सेलरेशन इधर हो गया, फिर यहां पे आके रुका, पर एक्सेलरेशन तो इधर था, तो स्पीड बढ़ती गई, फिर ओरिजिन को क्रॉस करके उधर पहुंचा, तो उसने देखा फिर रुकना है, तो फिर इधर हो गया। मतलब इसमें पता क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन बदल रहा है, कभी कभी तो वो वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, कभी कभी वो उसी तरफ लग रहा है जिस तरफ वेलोसिटी है।
फिर कभी कभी अपोजिट लग रहा है, फिर कभी कभी उसी तरफ लग रहा है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन ना कांस्टेंट नहीं है। तो ऑसिलेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि कभी उसे रोकना होता है, कभी उसे वापस लाना होता है, फिर कभी रोकना होता है, फिर कभी वापस लाना होता है। समझ रहे हैं लॉजिक? ठीक है, अब देखिए ये ओरिजिन है। अरे यार, जब कांस्टेंट नहीं होता तो फिर कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। हाँ, अब देखो ये देखो दिख रहा है ओरिजिन, है ना? देखो जब इस तरफ है, इस तरफ, तो एक्स उसका पॉजिटिव है पार्टिकल का, और आप देखिए ये जो दोनों एक्सेलरेशन है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का इस तरफ डायरेक्शन है, मतलब कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और यहां पर देखिए एक्स है नेगेटिव, और अगर आप एक्सेलरेशन को देखें, ये वाला या ये वाला, तीनों पॉजिटिव है। मतलब हमें सिर्फ यही पता है इसके बारे में, ऑसिलेशन के बारे में, कि जब एक्स होता है पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव, जब एक्स होता है नेगेटिव तो एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव। तो यहां लिख देते हैं कि ऑसिलेशन में साइन ऑफ एक्स एंड ए आर ऑपोजिट। अगर x पॉजिटिव हुआ तो a होगा नेगेटिव, देख पा रहे हैं? अगर x नेगेटिव हुआ तो a होगा पॉजिटिव। देख लीजिए, इतने में कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो लोग सिर्फ यही सोचने में लग गए कि ऐसे कौन कौन से इक्वेशन हो सकते हैं जिसमें x अगर पॉजिटिव हो तो a नेगेटिव हो, x अगर नेगेटिव हो तो a क्या हो, पॉजिटिव। तो बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, देखते हैं कौन कौन से, ठीक है? यही तो है टू एंड फ्रो। हाँ, ऑसिलेशन तो वो भी हो सकता है, बिल्कुल, है ना? इतना समझ में आया? ठीक है, करें आगे करें। पर वो ना वैसा होता है नॉन होमोजीनियस मीडियम, वो मतलब अपने 12th के भी बहुत ऊपर है। अच्छा, इतना समझे? अब देखो फिर मैं यहां लिखता हूं, जैसे साइन ऑफ ए एंड एक्स आर ऑपोजिट, सही है ना? तो लोगों ने सोचा कि यार क्या क्या लिखें। एक आदमी ने ऐसा लिख के देखा कि क्या ये अगर मैं लिखूं कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि एक्स का और ए का साइन उल्टा? अगर एक्स को प्लस थ्री रख दें तो ए कितना होगा? माइनस थ्री पे डिपेंड करने लगेगा, तो सही लॉजिक है। अगर एक्स को माइनस थ्री रख दें तो प्लस थ्री, तो यानी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अगर ए को रख दें, मान लो ये, ठीक है, ऐसे अलग अलग पावर रख के देखते हैं। अगर एक्स को रख दें प्लस थ्री तो माइनस नाइन, सही है। लेकिन अगर एक्स को रख दें माइनस थ्री तो माइनस थ्री का स्क्वायर भी प्लस नाइन होगा, तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव हो जाएगा। तो ये गलत है, क्योंकि एक्स निगेटिव पर ए पॉजिटिव आना चाहिए, है ना? ठीक है, अगर ए को रख दें, अब देखो अगर एक्स को मान लीजिए आप प्लस टू रखें तो टू का क्यूब एट, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एट। और अगर एक्स को आप माइनस टू रख दें, माइनस प्लस आ जाएगा ना, यानी ये भी हो सकता है। इस तरह से आप देखिए, जब आप फोर रखेंगे तो फिर कि कोई भी ऑड पावर हो,
और माइनस लगा हो तो वो ऑसिलेशन का इक्वेशन हो सकता है। तो जो ऑसिलेशन की कंडीशन होती है ना, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, वो होती है कि ए इज प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स की कोई ऑड पावर। कोई भी ऑड पावर हो सकती है। तो आप मुझे बताइए, अगर ऐसे लिख दिया जाए और लिखा भी ऐसे जाता है तो कितने इक्वेशन बन सकते हैं ऑसिलेशन के? इनफाइनाइट बन सकते हैं। तो देर आर इन ऑफ ऑसिलेशंस। जैसे कोई पूछे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स की पावर 101, क्या ये ऑसिलेशन का इक्वेशन हो सकता है? तो हम कहेंगे देखो माइनस भी लगा है, पावर भी ऑड है, हो सकता है। यस, अगर कोई कहे नहीं हो सकता है, अगर कोई ऐसा लिख दे तो भी नहीं हो सकता क्योंकि माइनस नहीं लगा। तो माइनस भी लगना चाहिए और पावर ऑड भी होनी चाहिए, समझ रहे हो? क्यों नहीं है? देखो x को तुम x प्लस पे a माइनस आना चाहिए और x माइनस पे a प्लस आना चाहिए। तुम एक काम करो, x को माइनस टू रख के देखो, माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है? फोर होता है ना, और माइनस भी लगा है तो एक्सेलरेशन भी माइनस फोर पे डिपेंड करने लगा। तो x भी नेगेटिव था और a भी नेगेटिव आ गया। थर्ड वाले में अगर तुम माइनस टू रखोगे ना और एक माइनस पहली लगाए तो प्लस एट नहीं आ गया। तो एक्स नेगेटिव पर ए पॉजिटिव आना चाहिए, एक्स पॉजिटिव पर ए नेगेटिव आना चाहिए। समझ गए लॉजिक? बताइए, ठीक है, इतना समझ में आया? तो यानी कि ऑसिलेशन के लिए एक्सेलरेशन इज प्रपोर्शनल टू ये। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो सबसे आसान वाला ऑसिलेशन होता है ना, सबसे सिंपलेस्ट ऑसिलेशन, उसको पढ़ते हैं। ऑड सबसे छोटी पावर कितनी होती? वन। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्चुअली सिंपल नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए सिंपलेस्ट हार्मोनिक मोशन, है ना? लेकिन ताकि हमारे मन में इंफीरियोरिटी ना आए कि यार हम तो सिंपलेस्ट ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अपन इसको कि ए इज प्रपोर्शनल टू, आया समझ में? बताइए। तो इसीलिए लोग SHM की इक्वेशन, मतलब अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो वो ये लिखते हैं, ये वो है जिसमें एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रपोर्शनल हो जाता है एक्स की पावर वन पे, है ना? और दूसरा ये लिख देते हैं कि एक्सेलरेशन का जो साइन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप चाहें तो लिख सकते हैं, अ मोशन इन विच द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड towards the mean position and its magnitude, ताकि minus ना लगे, magnitude is डायरेक्टली प्रपोर्शनल
टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए अगर आपको इस डेफिनेशन में कोई डाउट हो तो बताइए। है कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, इतना समझ गए। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन शुड बी प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब देखो प्रपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, ज्यादातर लोग कांस्टेंट को के लिख देते हैं, लेकिन उस के को लिखने में एक दिक्कत है। जैसे मान लो हमने ये लिख दिया, ठीक है, इसको आप कॉपी मत करिएगा, मान लीजिए हमने लिख दिया माइनस के एक्स। अब ये के तो कोई कांस्टेंट है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। अब मान लो कोई आदमी के की वैल्यू रख दे 2, तो ए बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है और सही भी रहेगा, क्योंकि एक्स प्लस रखोगे तो ए आएगा माइनस 2 करके नेगेटिव, और एक्स को अगर नेगेटिव रखोगे तो माइनस माइनस करके पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने के को रख दिया माइनस 3 तो ए कितना बन जाएगा? अब इसमें दिक्कत क्या हो जाएगी कि x को प्लस रखने पर a माइनस हो जाएगा और x को माइनस रखने पर a माइनस ही हो जाएगा। समझ रहे हो लॉजिक, मतलब प्लस पे प्लस हो जाएगा माइनस पे माइनस। तो इसलिए ये जो k है इसके साथ भी एक कंडीशन हो गई कि इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो लोगों ने कहा कि यार इतना सब लिखने से अच्छा कोई ऐसा ही नंबर चुन लो जो हमेशा पॉजिटिव हो। तो लोगों ने देखा कि कोई नंबर तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर कर दें तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा भले ही वो नंबर नेगेटिव हो। तो जब लोगों ने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग के उन्होंने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें क्या है, चाहे ओमेगा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन एसटी। यहां पर जो ओमेगा है वो एक कांस्टेंट है, ये तो समझ में आ रहा होगा, है ना। ये मत लिखना यार कि ये लिख के काट रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। हाँ मतलब कई लोग ऐसा करते हैं कि अरे क्यों याद रखना यार इसको, जितना कम याद रखो उतना ही सही है ना। हाँ सही बात है, ये कर लिया कॉपी। यहां पर ये जो ओमेगा होता है ना, इस ओमेगा का नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो वैसे तो कई लोग लिखते हैं रेडियन पर सेकंड, कई जगह पे आपको ना सिर्फ सेकंड की पावर माइनस वन दिखेगा। तो दोनों में से कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग है, दोनों सेम ही अलग है। जो लोग सर्कुलर मोशन से रिलेट करते हैं वो रेडियन पर सेकंड लिख देते हैं, और जो नहीं रिलेट करते वो सेकंड की पावर माइनस वन लिख देते हैं। अब ओमेगा चाहे प्लस हो चाहे माइनस, अपने को तो हमेशा ओमेगा का स्क्वायर लिखना है, तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने पास। और वैसे ओमेगा प्लस ही होता है, इतना समझे, ठीक है। अब देखिए ये माइनस साइन ये नहीं बता रहा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये सिर्फ ये बता रहा है कि जो एक्स का डायरेक्शन है एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है, ठीक है ना। अब आप ये देखिएगा यहां पे पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ये है मीन पोजीशन, यहां पे एक्स कितना है 0। अगर कोई आपसे कहे कि यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो तो आप एक्स को 0 पुट करके देखिए ये कितना आएगा। तो जो मीन पोजीशन होती है ना वहां पर एक्सेलरेशन कितना होता है 0। कोई हमसे पूछे भाई मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन कितना, 0।
और ये एम्पलीट्यूड है, यहां पर एक्स को लिखते हैं प्लस ए और यहां पर एक्स को लिखेंगे, ठीक है। अब अगर आप प्लस ए वहां ए रख दीजिए प्लस ए, तो एक्सेलरेशन आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये माइनस ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन इधर है, कितना ओमेगा स्क्वायर ए, नहीं वही तो मैं कह रहा हूं, कुछ किताबों में ये लिखा होता है कुछ किताबों में ये लिखा होता है, तुम्हें कुछ लिखना ही नहीं, तुम्हें तो टिक करना है, है ना। तो वैल्यू हाँ ऐसा नहीं होगा, पर वो पैकेज वाले जो एग्जाम में भी वो कोई एक ही वो फॉलो करेंगे ना, ठीक है। अच्छा अगर माइनस ए रख दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ये सिर्फ ये बता रहा है कि एक तरफ एक बार डायरेक्शन इधर है एक बार डायरेक्शन इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। तो क्या हम ये लिख दें कि एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम एट मीन पोजीशन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? मिनिमम क्या जीरो ही हो गया, है ना? मास से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ गई, लेकिन फोर्स अलग से पढ़ेंगे, है ना। अभी सिर्फ हम वो पढ़ रहे हैं, एक तरीके से आप सोच लीजिए काइनामेटिक्स ऑफ एसएचएम, जिसमें सिर्फ हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इनके बारे में, फिर आएगा डायनामिक्स जिसमें फोर्स फिर एनर्जी वो सब करेंगे, बस यही सब है एसएचएम में, काइनामेटिक्स और डायनामिक्स। अच्छा ये क्लियर हुआ, तो अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ये, इसमें a की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, लेकिन इसकी जो स्लोप है वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी निगेटिव स्लोप है, तो इसका ना जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, ये a और ये x इस तरह का, देखिए जब x की वैल्यू माइनस a के बराबर है, x की वैल्यू जब माइनस a के बराबर है तब एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर, जब एक्स जीरो है तो ए भी जीरो है, और जब एक्स की वैल्यू प्लस ए के बराबर है उस समय एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर है। बताइए ये ग्राफ आपको समझ में आया?
बंधन, कोई डाउट नहीं। करें आगे करें क्या? ठीक है, क्या नहीं, ग्राफ तो ये देखकर बना ना कि x की पावर भी 1 और a की पावर भी 1, तो जब जैसे y इक्वल टू mx प्लस c होता है उसमें y की पावर भी 1 और x की पावर भी 1, तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। अगर कोई ऐसा आता है जिसमें 1 की पावर 2 है और 1 की पावर 1 है, तब फिर वो या तो पैराबोला होता है या कुछ और, मतलब है ना, पर पैराबोला ही होता ज्यादातर, समझ रहे हो। ऐसा कोई, हाँ ऐसा कोई आ जाता जिसमें दोनों पे ही पावर 2 होती, तो फिर वो कुछ सर्कल होता, एलिप्स होता, मतलब ऐसे हमें पता नहीं ना हर चीज का, लेकिन ये तो कंफर्म है जिसमें दोनों पे पावर 1 हो वो स्ट्रेट। हाँ इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, स्क्वायर आने से तो और अच्छा है ना, स्क्वायर आने से ये चीज प्लस है, तो अगर इसे कंपेयर कराओगे तो यहाँ पे सी तो जीरो आ गया ताकि ओरिजिन से पास हुआ ये, और एम कितना आ गया, नेगेटिव ही आई स्लोप, तो स्लोप नेगेटिव मतलब कि ये जो एंगल होना चाहिए था ये 90 से बड़ा होना चाहिए था। आया समझ में? बताइए अभी भी कोई डाउट हो, वो भी आएगा अभी आएगा। क्लियर हुआ? तुम सही समय आने दो, तुम्हारे जवाब पता तुम्हें खुद मिलते चले जाएंगे, तुम्हें सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए, जैसे एक्सेलरेशन लिखा है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, आप मुझे बताइए ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? वेरिएबल है। तो एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल हो तो उसको लिखने के दो तरीके होते थे, एक होता था डीवी बाय डीटी, एक होता था वी डीवी बाय डीएक्स। चूंकि यहां एक्सेलरेशन एक्स के टर्म्स में है तो इसीलिए हम एक्सेलरेशन को लिखते हैं इक्वल टू, अब ये dx को यहां ले जाओ, अब दोनों तरफ कर देते हैं इंटीग्रेशन, लिमिट रखें। देखो ये तो अपन पता है कि जब x की वैल्यू a होती थी तो v जीरो होता था, है ना, x की वैल्यू अगर a रख दें यहां पे ये जीरो, लेकिन x की कोई भी जनरल वैल्यू अगर x हो तो वेलोसिटी कुछ v भी हो सकती है, तो हमें यही पता करना है कि आखिर किसी x की वैल्यू पर वेलोसिटी कितनी है। एक्सेलरेशन खत्म हो गया, अब अगला टर्म आ गया वेलोसिटी, तो करते हैं देखो इंटीग्रेट। देखो ये v की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कहां से कहां तक, जीरो से वी तक, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर तो वैसे ही लिखा हुआ है, एक्स की पावर वन है कहां से कहां तक, ए से लेकर एक्स, तो यहां पे हम लिखेंगे वी स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो का स्क्वायर बाय टू यानी जीरो, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस ए स्क्वायर बाय टू, सारे टू कैंसिल हो गए तो वी स्क्वायर आया माइनस ओमेगा स्क्वायर, या अब ये जो माइनस है आप इसको अंदर ले जाइए,
तो वी स्क्वायर बनेगा, रूट ले लीजिए, ये देखो तो आप देखिए वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और कैसे आई ये आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन था, सिंपल इंटीग्रेशन का ही तो एप्लीकेशन था, इसलिए मैंने सोचा कि करा देता हूं डेरिवेशन। डाउट नहीं। अब देखो जैसे v लिखा है, v का फॉर्मूला क्या आ गया, v आ गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप लिखें एट मीन पोजीशन, जो मीन पोजीशन होती है उस पर एक्स क्या होता है, जीरो होता है ना। अगर आप एक्स को यहां जीरो रख दें तो सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, तो उसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो मीन पोजीशन पे ना वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होती है और ये वैल्यू होती है ए ओमेगा। और अगर हमसे कहा जाए एट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पर एक्स कितना होता है, ए होता है ना, माइनस ए भी लिख सकते हो, लेकिन अगर स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। तो एम्पलीट्यूड पर वेलोसिटी होती है जीरो, यानी एक्सेलरेशन था वहां मिनिम मैक्सिमम, याद है ओमेगा स्क्वायर ए, लेकिन मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो था और वहां वेलोसिटी मैक्सिमम है। बताइए कुछ समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब ये जो इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और देखते हैं। देखो v का स्क्वायर होगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ये लिख सकते हैं क्या बताइए। अब एक काम करते हैं, ये जो माइनस है ना ये वाला, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा v स्क्वायर प्लस सही। अब एक काम और करते हैं, यहां ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, इन तीनों साइड को, तीनों टर्म्स को ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे डिवाइड करें दोनों तरफ से,
तो ये क्या आ जाएगा, देखो v का स्क्वायर अपॉन a ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस, देखो ओमेगा स्क्वायर कट गया, x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब आप देखिए ये एक ऐसा इक्वेशन आया है जिसमें दोनों की पावर टू है, तो ये ना तो स्ट्रेट लाइन है ना ही ये पैराबोला है, क्योंकि पैराबोला में एक की पावर टू और एक की पावर वन होती थी। तो ऐसा जो इक्वेशन होता है ना, ये कुछ इस तरह का इक्वेशन है, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन किसी चीज का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन किसी और चीज का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये जो इक्वेशन है ना, ये होता है एलिप्स का इक्वेशन। आपको याद है एक होता था मेजर एक्सिस, एक होता था माइनर एक्स, है ना। तो एक्स के नीचे जो ये लिखा है ना ए स्क्वायर, तो एक्स वाला जो एक्सिस है वो ए है, वाई के नीचे लिखा है ना बी, तो वाई वाला जो था ना सेमी माइनर एक्सिस वो बी है। मतलब ये जो इक्वेशन है ना वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो वेलोसिटी और एक्स का जो ग्राफ बनता है ना एसएचएम में वो एलिप्स का ग्राफ बनता है। तो ऐसा बनेगा, देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो यहां पर y एक्सिस पर मैंने वेलोसिटी रख ली, x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एग्जैक्ट बन नहीं पाई एलिप्स, इससे बना देते हैं। सही है ना, इसमें आप देखिए ये जो वैल्यू है ना x की, ये प्लस a और ये वैल्यू माइनस a, जो v की ये वाली वैल्यू है प्लस a ओमेगा और ये ग्राफ। अब भाई लोगों को समझ नहीं आता कि कैसे चलता है, तो इस ग्राफ में एरो में लगा देता हूं, ये ग्राफ इस तरीके से चल रहा हो, शुरू में x बढ़ रहा होता है, वेलोसिटी कम हो रही होती है, इस पॉइंट पे जाके x मैक्सिमम हो गया, एम्पलीट्यूड वहां वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर x दोबारा कम होने लगा, वेलोसिटी बढ़ने लगी, और जब x जीरो हो गया मीन पोजीशन, तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो गई a ओमेगा। अब ध्यान से देखो, अगर कोई भी डाउट हो तो बताओ। पिछली साइड में नहीं, एक टाइम पर तो एक ही पोजीशन पे होगा वो, है ना, लेकिन मतलब ये है कि एक एक्स पर वी दो हो सकते हैं, तुम यही कहना चाह रहे हो, एक बार जाते समय उस पॉइंट से पास करेगा वापस लौटते, ये तो एक एक्स पर वी प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। कर लिया कॉपी, कोई डाउट नहीं। कैसा आया इस बार का पेपर, एसआरजी वाला दिया था आप लोगों ने, तो क्या इस बार का भी बहुत कठिन था क्या?
पहले से भी ज्यादा कठिन लग रहा था क्या? वैसे तो आप लोगों ने देखा ही लास्ट में होगा, तो पूरा देखने का समय नहीं मिल पाया होगा, लेकिन फिर भी जितना भी देखा, कोई ऐसा सवाल लग रहा था कि यार ये तो हमें आता है इस टाइम, ऐसे कुछ कुछ लग रहे थे? अच्छा थी। मैं उसका मैं बनाता हूं उसका सॉल्यूशन, मेरे पास तो पेपर भी अभी है नहीं, तो कोई मुझे भेज देना ना उस पे। अच्छा पेपर नहीं है आप लोग, कोई बात नहीं। सीक्रेट क्या? नहीं लेकिन एसआरजी तो सबका एक साथ ही होता है। कर लिया कॉपी, बताइए ये वाला ठीक है। अब देखिए ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया, ये आया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? वो भी एक्स पर डिपेंड कर रही है। क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल? वेरिएबल है ना। तो हम वेलोसिटी का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, dx by dt है ना। तो हम लोग अगर चाहें तो इस वेलोसिटी को लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू ओमेगा अब ये जो dt है इसको इधर ले जाते हैं, तो dx ये होगा। हाँ अब ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसको नीचे ले आते हैं, तो ये बन गया ठीक है, ये समझे। अब इंटीग्रेशन करना है ना, थोड़ा सा यहां पर मैथ्स है, हालांकि बहुत जरा सी है बस ये इंटीग्रेशन। एक्चुअली हम लोगों ने जितने भी इंटीग्रेशन पढ़े ना, वो ऐसे थे x की पावर n हो जाए, ये हो जाए, लेकिन यहां पर आप देखिए ये कुछ अलग है। यहां पे है अंडर रूट, मतलब नीचे है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं ठीक है। ये मतलब नीट में वैसे फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन चूंकि वो अपने में एक्स की वैल्यू तो है ही, तो ये जो होता है ना इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ठीक है। तो ये तो चलो सिर्फ इसी उसके लिए, वैसे नीट में हमसे ये फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ हमने इसको सॉल्व करने के लिए लिखा है। लेकिन उससे भी पहले अपन लिमिट तो रखें। अब जैसे यहां तो मैं लिख देता हूं कि जब टाइम जीरो है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एक्स कितना होगा जब टाइम जीरो है? तो एक्स कितना होगा? अच्छा टाइम जीरो का मतलब क्या है? टाइम जीरो का मतलब क्या है? जैसे लिखते हैं टी इक्वल टू जीरो, हाँ टी इक्वल टू जीरो का ये मतलब नहीं होता कि जब से पार्टिकल ने चलना शुरू किया, जब से हमने देखना शुरू किया। अब देखो एक पार्टिकल चल रहा था ठीक है, अब एक पर्सन कोई उसको नहीं देख रहा तो भी वो चल रहा है। मान लो एक पर्सन आया, इक्वेशन तो कोई पर्सन ही बनाएगा ना। अब एक पर्सन आया तो उसने देखा कि ये पार्टिकल ओरिजिन पे था, तो उसने कहा जब से मैंने देखना शुरू किया तो मेरे लिए टी जीरो पर एक्स जीरो। उसी के दो मिनट बाद कोई और आ जाए मान लो,
पांच छह सेकंड के बाद, हो सकता है उस समय पार्टिकल एम्पलीट्यूड पर हो, तो वो कहेगा मेरे लिए जब टी जीरो है तो एक्स की वैल्यू ए है। अब हो सकता है वापिस लौट रहा हो पार्टिकल बीच रास्ते में, वो तीसरा आदमी आ जाए, वो कहेगा कि मेरे लिए तो जब टी जीरो है तो एक्स है ए बाई टू। तो हर पर्सन के लिए टी जीरो पर एक्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, यानी जब टी जीरो है ना तो हम क्या करते हैं एक्स को कुछ एक्स नॉट लिख देते हैं और ये वैल्यू बदलती रहेगी, जो भी होगा, जो जीरो रखना चाहता है जीरो रख लेगा। और किसी टाइम टी पर, तो वो किसी भी जनरल एक्स पर, ये एक्स नॉट क्या है, हर सिचुएशन के लिए अलग हो सकता है। कोई कहे ओरिजिन पर है तो हम कहेंगे जीरो रख दे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन तो मैंने आपको लिखवा दिया, साइन इनवर्स एक्स बाय ए कहां से कहां तक, नीचे एक्स नॉट और ऊपर एक्स। ओमेगा तो खैर एक कांस्टेंट ही है, तो सिर्फ टी आ गया, नीचे जीरो और ऊपर टी। अब पहले आप कर लें ये कॉपी, फिर आगे करते हैं। इसमें यार इसमें ना एक रूल लगता है, मतलब वैसे मैथ्स में होता ही है, लेकिन इसमें ना वो कहते हैं कि एक्स को ए साइन थीटा मान लो, तो उससे क्या होता है कि ए साइन थीटा रख देते हैं। अब ए साइन थीटा रखने से क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करके वो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है, फिर वो कॉस थीटा का रूट लेके कॉस थीटा हो जाता है, लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला लिखना हो या लिख लो, कोई वो नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद करना है। अब ये लिख लिया, अब देखो क्या कह रहे हो यार, ये देखो ये लिखा है। अब इसमें पहले हम ये वैल्यू रख देते हैं तो क्या आएगा, देखिए साइन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस सही है ना, पहले x रख दिया फिर x नॉट रख दिया, इट शुड बी इक्वल टू ओमेगा t, ये बन गया। देखो अब यहां लिखा है साइन इनवर्स x बाय माइनस साइन इनवर्स x नॉट बाय, ये साइन इनवर्स क्या चीज है। जैसे मान लो कोई ये लिखे, आप देखिएगा जरा, कोई ये लिखे साइन पाई बाय टू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी ना, है ना। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं आप, तो साइन इनवर्स का मतलब ये होता है, जैसे कोई लिख दे साइन इनवर्स वन, तो वो पूछना चाह रहा है कि वो एंगल बताओ जिसका जब मैं साइन निकालूं तो आंसर वन आ जाए। अब कोई आपको ये लिखते बताइए, इसको आप कर सकते हैं सॉल्व, मतलब ऐसे एंगल की साइन निकालो तो आंसर रूट थ्री बाय टू आए, तो 60 डिग्री यानी। अच्छा कोई ये लिख दे, तो किसका साइन होता है वन बाय टू, 30 डिग्री का, तो पाई बाय सिक्स। समझ पा रहे हो, मतलब एक चीज नोटिस करो, जब भी साइन इनवर्स ले रहे हो ना किसी भी चीज का, तो उसके आंसर में हमेशा एक एंगल आ रहा है, आ रहा है एंगल। यहां पर ये जो चीज है नहीं हो रहा, ये जो चीज है
इसमें भी साइन इनवर्स लिया गया है, तो ये भी कोई एंगल आया होगा, है ना। ये जो एंगल है ना, इस एंगल को हम कहते हैं फाई। फाई का मतलब होता है क्या, मतलब है फेज कांस्टेंट। हाँ, नाम है फेज कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज होती है फेज, वो क्या होता है, वो वेरिएबल होता है, तो उसमें एक ही कांस्टेंट वैल्यू आती है, इसलिए इसका नाम फेज कांस्टेंट है। पर मतलब मैं आपको बताऊंगा फेज का क्या मतलब होता है। अभी फेज आया नहीं ना, अभी आने दो फेज। हाँ, ये जो साइन इनवर्स एक्स नॉट वाई है, इसको फाई। तो ये क्या बन गया, ये हुआ देखिए साइन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस वो जो साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए था, उसको हमने लिख दिया फाई। क्या नाम दे दिया उसको, फेज कांस्टेंट, इक्वल टू ओमेगा टी आ गया। कॉन्स्टेंट अलग अलग होगी तो इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे कोई आदमी अगर कहे कि भाई मैंने तो ऐसा SHM देखा जिसमें स्टार्टिंग में पार्टिकल ओरिजिन पे था, तो हम कहेंगे उस आदमी के लिए x नॉट जीरो है ना, तो साइन इनवर्स जीरो बाय ए यानी साइन इनवर्स जीरो, उस आदमी के लिए फाई की वैल्यू जीरो होगी। तो अब उस आदमी के लिए हमेशा ही फाई जीरो है ना, क्योंकि उसने जो शुरुआत में देखा वो ही उसको बदलेगा थोड़ी। ऐसे कोई दूसरा आदमी है, उसने देखा कि यार ये तो एम्पलीट्यूड पर था पार्टिकल शुरू में, तो वो सबसे यही तो बोलेगा कि यार शुरुआत में एम्पलीट्यूड पे था, तो इसलिए ये फाई कांस्टेंट है। तो अब देखिए इसके बाद आगे देखो, साइन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस फाई इधर ले जाओ, तो ये हो गया ना। यानी यहां से अब देखो इधर साइन इनवर्स लिखा है, इसको इधर ले जाएं, तो एक्स क्या आ गया, ये इक्वेशन तो शायद आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन कई लोग क्या करते हैं इसी इक्वेशन से स्टार्ट करवाते हैं, यही इक्वेशन है, अब इसके बाद बाकी चीजें देखी जाएंगी, है ना। हाँ, है ना, क्या याद नहीं, याद कैसे रहेगी, क्या कह रहे, रिजल्ट याद कर लो बस। यहां पे फाई क्या चीज है, फेज कांस्टेंट। ओमेगा क्या चीज है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नहीं, बल्कि नहीं स्टार्ट करेगा। तुम एक बात सोचो, एक ब्लॉक है और एक स्प्रिंग है, अब उसको रख दो, वो अपनी मीन पोजीशन पे है, क्या वो ऑसिलेशन करेगा, नहीं करेगा ना। करेगा तब जब खींचोगे और यहां ले जाके छोड़ोगे, यानी जब एम्पलीट्यूड पर लेकर आते हो ना, तो यूनिवर्सली ये होता है कि जब वो एम्पलीट्यूड पर होता है ना, तब से स्टार्ट करता है। हाँ, यदि कोई फ्रिक्शन ना लगे, कुछ ना लगे, तो कंटिन्यू कर सकता है। अगर फ्रिक्शन लगा तब फिर रुक जाएगा। हाँ, क्योंकि मीन पोजीशन पे उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता ना, तो इसीलिए वहां पे मीन पोजीशन तभी नाम है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन आइडियली SHM रुकता नहीं है, वो होता ही रहता है। अच्छा, इतना समझ में आया, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो देखिए ये जो एक्स लिखा है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसमें एक्स का मतलब है displacement from
मीन पोजीशन। ए का मतलब है, अब आपको सबके मतलब पता है कि क्या क्या चीज होती है ना। ओमेगा का मतलब है फाई का मतलब है फेज कांस्टेंट है। तो ये जो ऑसिलेशन है हम जानते हैं ये टू एंड फ्रो मोशन है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो है 2π/ओमेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी ये 1/टाइम पीरियड है, ये है ओमेगा अपॉन 2π। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि जो ओमेगा है उसकी वैल्यू टू पाई एफ के बराबर है। तो रिलेशन बिटवीन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, तो इतना क्लियर हुआ। तो पहले जितना हमने अभी तक पढ़ा है ना उसी पर सवाल करते हैं, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में यार वैसे कोई फर्क नहीं होता, मतलब क्योंकि सर्कुलर मोशन के टर्म्स में पढ़ रहे होते तो उसको एंगुलर वेलोसिटी कह देते, लेकिन चूंकि यहाँ सर्कल में नहीं घूम रहा ना पार्टिकल, ऐसे चल रहा है, तो इसीलिए उस ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह दिया। कहां से आया यार, इसको ना ग्राफ की मदद से सॉल्व किया। अब हाँ इसीलिए 2 यूनिट है, वही तो मैंने कहा कुछ किताबों में वो यही मानते कि सर्कल है। वैसे ना कहां से आया ये मैं कोशिश कर सकता हूं बताने की, लेकिन एक्चुअली वो ये कहते हैं कि देखो टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड वो होता है जब पार्टिकल घूम फिर के वहीं आ जाए, है ना। अब आप ये सोचिए टाइम पीरियड अगर टी है तो टी टाइम पर अगर पार्टिकल एक्स पर है तो टी प्लस कैपिटल टी पर भी एक्स पर होगा। तो जैसे एक्स लिखा है ये तो यही एक्स होगा, ये अब ये दोनों बराबर हैं। तो देखिए ए और ए तो कट गया, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई विल बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस ओमेगा कैपिटल टी। तो अब इस पूरे को अगर थीटा ले लो तो ये भी हो जाएगा थीटा प्लस ये, तो साइन थीटा और साइन 360 प्लस थीटा दोनों बराबर होते हैं, तो जरूर ये चीज 360 यानी 2π होनी चाहिए। तो ओमेगा टी 2π हो गया, ठीक है ना। जवाब तो मेरे पास हर चीज का है, लेकिन बस बात ये है कि उसकी जरूरत नहीं है, समय भी बहुत है यार, अभी तो कहां मई में एग्जाम है। बस एक आध क्वेश्चन इस पे दे देते हैं ताकि कोई देखता हूँ एग्जाम वाला। हाँ बोलो बोलो बताओ बताओ क्या कह रहा है। मुझे आपको रिवीजन की जरूरत पड़ती है।
किसको? रिवीजन की जरूरत पड़ेगी तुम्हें अगर तुम पहली बार ही पढ़ोगे तब, अगर तुम कई बार करते रहोगे सवाल लगाते रहोगे तो तुम्हें भी रिवीजन की जरूरत पड़ना बंद हो जाएगा। मेन क्या है कि हमें यही नहीं पता कि हमें कहां से पढ़े क्या पढ़े, है ना। आदमी इधर उधर सब जगह करता रहता है तो। कई बार आदमी उनसे पढ़ता है जिन्हें खुद ही नहीं आता, तो उन्हें हाँ तो इसलिए वो उनको फिर प्रॉब्लम होती है। ये देखो ये लीजिए, इसको देखिए आप। इसमें लिखा है पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ अ सफिशियंटली हाई बिल्डिंग एंड इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब, एक्सेलरेशन दे रखा है ना और एक्स भी दे रखा है, तो टाइम पीरियड पूछा है। अब देखो ये जो सवाल है, आपको पता है ना कोई भी ऑसिलेशन अगर हो रहा हो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, लेकिन ये माइनस सिर्फ यही बता रहा होता है, मैग्नीट्यूड तो यही होता है। तो 20 ओमेगा स्क्वायर और एक्स कितना है 5, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया 4, तो ओमेगा कितना हो गया 2, तो ओमेगा आया है ये, लेकिन टाइम पीरियड पूछा है तो टाइम पीरियड हो गया 2π/ओमेगा। हुआ क्लियर? अब इसमें कई लोग का ये ओमेगा आता है खुशी में 2 ही मार्क कराते हैं ना, तो समझ गए लॉजिक। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको देख लीजिए, एम्पलीट्यूड ए दे दिया, कहा है कि जब एक्स भी दे दिया 2 सेंटीमीटर, कह रहे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बराबर है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ये, और एक्सेलरेशन का भी कितना मैग्नीट्यूड है, कह रहे हैं दोनों बराबर है, तो अंडर रूट ए कितना है 3 और एक्स कितना है 2, 3 का स्क्वायर यानी 9, 2 का स्क्वायर यानी 4 और एक्स कितना है 2, ये ना।
तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2π/ओमेगा। टाइम पीरियड ही तो पूछ रहे हैं, तो कितना आ गया, 4π/√5। क्लियर हुआ, बताइए, ठीक है ना। बस ऐसे ही सवाल आते हैं, कोई बहुत